सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि डैनियल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हमने देखा था उसमें हमने ये देखा था कि लेफ्ट साइड तरफ हमेशा क्या होता है, एनोड होता है। एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। उस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, रॉड पे नेगेटिव चार्ज आता है, सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आता है। एंड कैथोड में राइट हैंड साइड तरफ क्या होता है, कैथोड होता है। कैथोड में क्या होता है, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आता है। और इनको बैलेंस करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज डालते हैं। सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट डालने की कंडीशन ये थी, दोनों के आयनिक मोबिलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि भैया कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो रिएक्ट कर गया, इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट किसी के साथ भी सॉल्ट ब्रिज वाला इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज वो फिर से पॉसिबल नहीं हो पाएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, क्या है? पहला है नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। ठीक है, कल जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था उसी का फैक्टर किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला जो है ये तो है, मान लो जैसे एग्जांपल ये है कि मान लो अगर Fe से Fe प्लस टू गया तो ऑब्वियस बात है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है अगर मान लो Fe से Fe प्लस थ्री गया, Fe से Fe प्लस थ्री गया तो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। Zn से Zn प्लस टू गया तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, या ऑब्लिक आप प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस, आप प्रेशर भी ले सकते हो गैस के केस में, प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस के केस में हम प्रेशर लेंगे। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये फैक्टर हो गए मेरे भाई, इन वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक है, तो ये तो नेचर वगैरह तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर वगैरह से कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियस बता अगर Fe Fe प्लस टू में जाएगा तो ऑब्वियस उसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा ऑक्सीडाइज होने का, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट थिंग क्या होता है, Fe से Fe प्लस थ्री जाएगा तो ऑब्वियस बता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंट होगा, और Fe से Fe प्लस टू जाएगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द मेटल की मेटल किस स्टेट में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये इंपॉर्टेंट है वेरिएशन ऑफ, अब हम ये देखेंगे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, विथ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, विथ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नंस्ट इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, नंस्ट इक्वेशन। अच्छा, कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट हो जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा पार्ट हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और तीसरा पार्ट होता है कंडक्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो पहले पार्ट का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है पूरा का पूरा नंस्ट इक्वेशन पे बेस्ड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे जेई मेन्स हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई एडवांस हो, हर साल क्वेश्चन एक फिक्स रहता है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछने के चांसेस है, या तो इससे पूछे या तो फराडेज लॉ जो आपका सेकंड पार्ट है, या तो थर्ड पार्ट। बट ओवरऑल आपको ये आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसे सॉल्यूशन का मेन जान क्या था, वेपर प्रेशर, वैसा बोलते हैं पहला पार्ट का मेन जान नंस इक्वेशन है। तो आपको वैसे नंस इक्वेशन बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, चलो अब इसका डेरिवेशन का था कि नंस इक्वेशन आया कैसे, क्या साइंटिस्ट ने सोचा। तो देखो, मुझे पता है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स ठीक है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यू, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, हाँ डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, चेंज इन गिब्स एनर्जी एट एनी कंडीशन। ठीक है,
क्यू टेम्परेचर, टी बराबर टेम्परेचर, आर बराबर यूजीसी यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और क्यू मतलब होता है रिएक्शन कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है? रिएक्शन कॉन्स्टेंट। और मुझे पता है हमने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा भी था कि यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम बराबर क्या होता है? डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, ठीक है। यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है भाई? भाई कोई भी सिस्टम यूजफुल वर्क कब कर सकता है? जब अपनी वो गिब्स एनर्जी को घटा के, हम तो थर्मोडाइनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे यूजफुल वर्क का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन। यहाँ पे हमारे लिए सिस्टम का यूजफुल वर्क क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्म, और ये किसके बराबर है? माइनस ऑफ डेल्टा जी के बराबर। किसके बराबर है? माइनस ऑफ डेल्टा जी। और मुझे पता है वर्क वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये आपने पहले ही फिजिक्स में पढ़ चुका होंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। मुझे पता है कि 1 फराडे बराबर कितना होता है? 96500 कूलम होता है 1 फराडे के बराबर। तो इसका मतलब अगर अगर कोई सिस्टम 1 फराडे वर्क कर रहा है तो कितना चार्ज पे वर्क कर रहा होगा? वो 96500 कूलम पे वर्क कर रहा होगा। और आपको ये भी बताया होगा मैंने मोल कॉन्सेप्ट में कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 1 फराडे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 1 फराडे। तो हम क्या मानते हैं? लेट एन फराडे चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, एन फराडे चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द, लेट एन फराडे चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द सेल हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ई वोल्ट, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ई वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा NFE, क्या हो जाएगा? NFE, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम वर्क डन का बोलेगा तो क्या होगा? NFE0, ठीक है। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है? जब आप बाजार से बेटा पेंसिल बैटरी लाते हो, ठीक है, तो इसका मतलब वो अभी यूज नहीं है, इसका मतलब उसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होंगे बहुत ज्यादा हाई होंगे, और कहीं ना कहीं ई नॉट कंसंट्रेशन पे जरूर डिपेंड करता है या ई भी कंसंट्रेशन पे जरूर डिपेंड करता है। तो जब आप पैकेट से उसको खोलते हो, ठीक है, जब भी आप उसको पैकेट से खोलोगे जो वोल्टेज उसको मतलब जो मेजरमेंट करोगे तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है पैकेट से निकालने के बाद, ठीक है, बाजार से तुरंत लाते ही वो उसका मैक्सिमम वोल्टेज। धीरे धीरे आप रिमोट यूज कर, रिमोट में मान लो डालते हो, धीरे धीरे रिमोट यूज करो 2 दिन बाद ऑब्वियस बात है उसका पोटेंशियल अब उतना नहीं रहेगा जितना आपने पहले इनिशियल लाया था। तो ई नॉट मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल, ठीक है, या प्रैक्टिकली भाषा में बोलते हैं बाजार से लाए हुए नए नए सेल का जो पोटेंशियल होता है वो ई नॉट होता है। और जब कुछ समय के बाद यूज करने के बाद या 1 दिन बाद जब पोटेंशियल, इवन तो 1 दिन छोड़ा आप 10 मिनट के बाद यूज करने के बाद पोटेंशियल अब ई नॉट नहीं रहेगा। क्यों? पोटेंशियल थोड़ा क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, दिस ई नॉट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। आई बात समझ सबको, आई होप से यहाँ तक समझ में आया होगा। और क्या मैं अब डेल्टा जी को बोल सकता हूँ माइनस एन एफ ई, क्योंकि गिब्स एनर्जी बराबर क्या था? यूजफुल वर्क बराबर डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। तो इसका मतलब डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाए? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। आई बात समझ सबको, तो आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों फॉर्मूले को इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? एन एफ ई बराबर क्या हो जाएगा? एन एफ ई नॉट प्लस 2.303 RT log Q। अच्छा, log Q को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या log Q को मैं लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो होता है K का मतलब या Q का मतलब, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, NF कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नंस इक्वेशन का E बराबर E नॉट सेल प्लस 2.303 RT बाय NF। RT by NF जब कॉमन लोगे तो यहाँ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो log of concentration of product by concentration of reactant। तो this is the original Nernst equation formula। आई बात समझ में? अब E बराबर क्या होता है?
इसका मीनिंग लिख देता, ई इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, एट एनी कंडीशन, ठीक है। और ई नॉट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसमें, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है। और याद रखना एक बात हमेशा, ये प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये प्रॉब्लम में हमेशा आपको गिवन होगा, क्योंकि किसी बैट सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगा आप देख के नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमेशा आपको दिया जाएगा, ये मतलब ई हमेशा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और ई नॉट हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब याद करो, हर चैप्टर का स्टैंडर्ड कंडीशन वेरी करता है। थर्मोडायनेमिक्स का स्टैंडर्ड कंडीशन अलग था, सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड कंडीशन अलग था, गैसेस स्टेट में स्टैंडर्ड कंडीशन कुछ और था, वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी स्टैंडर्ड कंडीशन है अपना। तो क्या है, तो याद रखना इस चीज को, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है इसका, देखो पहला कंडीशन है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो होता है वो वन मोलर लोग अगर मैंने लिया, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर क्या लिया, वन मोलर लिया। प्रेशर ऑफ गैस कितना लिया मैंने, वन बार, याद रखना, नॉट वन एटीएम, यहाँ पे आप क्या लोगे, वन बार लोगे, ठीक है। और टेम्परेचर मैंने क्या लिया, सॉरी एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड, एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड वो क्या लोगे आप, वन मानोगे, ठीक है। चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा, चौथा कंडीशन हो जाएगा टी बराबर टेम्परेचर कितना लोगे, हमेशा रूम टेम्परेचर लेंगे बेटा हम, यहाँ पे टेम्परेचर मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सा होगा, 298 केल्विन। लेकिन गैसेस स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर क्या होता था, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ठीक है। और अब यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है, देखो ई का मतलब तो समझ में आया, ई नॉट का मतलब समझ में आया, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब समझ में आया। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो गेन या तो लॉस और या तो ट्रांसफर। अब मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि गेन कब होगा ये भी हमें पता होना चाहिए, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कब हो रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए, और ट्रांसफर कब होगा। अब याद करो कैथोड वाले केस में, एनोड वाले केस में आपको याद होगा, एनोड वाले केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन जेडन जिंक जो था रॉड पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था और अपने आप को जेडन प्लस टू का एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में बाहर आ जाता था, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। कैथोड वाला क्या करता था, गेन करता था। अब जब दोनों सेल को आप कनेक्ट कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, मतलब उस केस में आप इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे, ट्रांसफर बोलोगे। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या केस ले रहे हो, ठीक है। पी का मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आर का मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका याद, मैं इसको मॉडिफाई कर दे रहा, 2.303 आरटी बाय एनएफ। तो आप जब इसको मॉडिफाई करोगे तो ये इसमें मॉडिफाई करके मैं कहने मतलब 2.303 आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314। टेम्परेचर अगर मैंने 298 लिया और एन बाय 96500 मैं कूलम में लेके चल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो एन बहुत ठीक है, एन बराबर तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.059 बाय एन। एन की कुछ भी वैल्यू हो सकती है वो मुझे नहीं पता, तो इसलिए एन को मैं एन ही मान के चल रहा हूँ। इसका मतलब ई का फॉर्मूला क्या होगा, ई बराबर हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक्चुअल में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है फॉर द, एक मिनट ही दिखाई दे रहा है क्या नीचे तक, ओके ओके ठीक है। तो एक्चुअल में न्यूमेरिकल प्रोसेस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो आई होप सो ये चीजें बातें आपको समझ में आएगी, मैं क्यों क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप फॉर द सिक्योर रीजन आप ऐसे भी ले सकते हो, 0.059 की जगह आप 0.06 भी ले सकते हो, आंसर का बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं आने वाला इस केस में, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो इसके ग्राफ की बात करूं मैं बेटा, अगर तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये वेरिएबल है और ऑब्वियस बात है कौन सा, ये वेरिएबल, तो y बराबर क्या होगा, माइनस एम एक्स सी, ये वाला ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं,
तो मेरे लिए नंस इक्वेशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे बोर्ड हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे नीट हो या एडवांस हो, क्वेश्चन इन पे हमेशा रहते ही रहते हैं, ठीक है बेटा। तो इनको हमें बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल भी कोई घबराना नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा हूँ आज के टॉपिक में। आज का दोनों का लेक्चर कॉमन रहेगा, कल से तुम्हारे लेक्चर अलग अलग होंगे क्योंकि कल से लेवल एडवांस वालों का थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, E बराबर लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। ये वाला क्या देगा आपको, थीटा देगा, और ये पॉइंट आपको क्या देता है, E नॉट। तो किसी भी सेल का ये देखो मैक्सिमम होता है, धीरे धीरे जैसे कंसंट्रेशन घटते जाएगा ये वैल्यू भी क्या होती जाएगी, घटते जाएगी, ठीक है। अब याद रखना नंस इक्वेशन का आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। नंस इक्वेशन में आपके पास तीन टाइप के सेल होते हैं, एक होता है एनोड हाफ सेल, एक होता है कैथोड हाफ सेल और एक होता है कंप्लीट सेल। तो हम पहले एक एक करके तीनों सीखेंगे कि नंस इक्वेशन तीनों में आखिर कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो हाफ सेल नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ सेल देयर रिएक्शन कॉमा रिप्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना इनको, रिप्रेजेंटेशन एंड नंस इक्वेशन एंड नंस इक्वेशन फॉर हाफ सेल एंड नंस इक्वेशन फॉर हाफ सेल, ठीक है। हाफ सेल आपको अप्लाई करना है, तो आपको पता देयर आर टू टाइप ऑफ हाफ सेल, देयर आर टू टाइप ऑफ हाफ सेल, ठीक है। एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है मेरा एनोड हाफ सेल, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, ASC लिखेंगे। अब जो लेफ्ट वाला पार्ट था ना, क्योंकि अगर सिर्फ आपने लेफ्ट वाला पार्ट लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड हाफ सेल, दिस इज हाफ सेल, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेल। तो आपने सिर्फ अभी क्या लिया, एनोड लिया है, तो उसमें नंस इक्वेशन क्या होगा, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सीख जाओगे जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनोड हाफ सेल क्या होता है भैया, जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड हाफ सेल बोलते हैं। द हाफ सेल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, हाफ सेल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, हाफ सेल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज ASC, इसको हम क्या बोलते हैं, ASC बोलते हैं, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन LHS, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। याद होगा आपको यह लोन वर्ड मैंने बताया, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ठीक है, याद आया समझ में। तो पहला बात समझ में आया हमारा हाफ सेल कौन सा, एनोड हाफ सेल। दूसरा इनका रिएक्शन, ठीक है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। एनोड हाफ सेल का रिएक्शन क्या होता है, तो एनोड हाफ सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। तो कल वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, जिंक सॉलिड क्या होगा बेटा, जिंक सॉलिड कन्वर्ट होगा Zn+2 और दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर लेगा। अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि इनको मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा है, तो इसके हाफ सेल को या तो मैं SOP से रिप्रेजेंट करूंगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या तो आपको E0 OP लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, कैसे लिखा रहेगा, ये रिएक्शन दिया जाएगा। और जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर जो भी आपके न्यूमेरिकल मिलेंगे नंस इक्वेशन के, बिलीव में वो सारे 99.99 या आप बोल सकते हो 100% जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे स्टैंडर्ड कंडीशन में बनते हैं। इसका मतलब जो भी रिएक्शन होगा वो हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखा जाएगा, इसका मतलब उसके बगल में जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वगैरह लिखा जाएगा वो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या E0 OP।
या आप इसको जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन में यूज किया जाता है वो कैसे यूज, जिंक कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, जेडन से जेडन प्लस, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जेडन ऑब्लिक जेडन प्लस टू, मतलब जिंक कहाँ पे कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पे हमेशा ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो आपको इस रिप्रेजेंटेशन को देख के पहचाना कि दिस इज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिंक कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जेडन से जेडन प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, आई बात समझ सको। और इसकी वैल्यू होती है प्लस 0.76 वोल्ट, हालांकि आपको ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में हमेशा आपको दिया जाएगा, जो भी मैंने आपको बोला ई नॉट की वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चन में दी जाती है और ई की वैल्यू आपको क्या करनी रहती है, कैलकुलेट करनी रहती है, ठीक है। तो हाफ सेल पता चल गया, रिएक्शन पता चल गया उनका, मुझे नेक्स्ट इक्वेशन पता करना, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन आखिर कैसे अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा, ई जेड एन से जेड एन प्लस टू इज इक्वल टू ई नॉट जेड एन ऑब्लिक जेड एन प्लस टू माइनस 0.059। एन यहाँ पे अब कितना है, एन है यहाँ पे दो का लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे एन बराबर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है, दो है, कंसंट्रेशन ऑफ ऊपर तो क्या होगा जेड एन प्लस टू, क्योंकि मैंने माना कि स्टैंडर्ड कंडीशन में एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड, क्योंकि जिंक क्या प्योर सॉलिड है तो उसका एक्टिविटी आप क्या मानोगे वन, तो यहाँ पे आपको सॉलिड को रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती, तो जो भी हम इस लॉग में रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा हम आयन को रिप्रेजेंट करते हैं या गैस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपने उसका प्रेशर वन बार नहीं माना है तो, ठीक है, अदरवाइज तो यहाँ पे आयन ही होता है। अब आप इस इक्वेशन से समझो बात को, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे इन जनरल वे में आप इसको कैसा लग सकते हो कि E ऑफ OP बराबर क्या होगा, E नॉट ऑफ OP माइनस 0.059 बाय N log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, हालांकि आप प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के बजाय, क्योंकि तो मेरे पास आयन तो फिलहाल एक ही है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा आयन, क्योंकि राइट हैंड साइड में मेरा आयन पड़ रहा है तो आयन तो मेरा ऊपर ही जाएगा, तो ये मेरा जनरल वे में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ। अब आप समझो बात को, अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ा, ठीक है, ये शायद कुछ उल्टा लिखा गया होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ा तो लॉग में ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये नेगेटिव पार्ट वाला और बढ़ेगा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से नेगेटिव पार्ट क्या घटेगा, मतलब आप बोल सकते हो कि आयन के कंसंट्रेशन बढ़ने से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, इसका मतलब अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है तो कैथोड वाला क्या होगा, बढ़ेगा, एक समय के बाद क्या आ जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और उस समय आपका बैटरी आप बोलते हो ना डेड हो जाता है, एक्चुअली वो डेड नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है रिएक्शन होना बंद हो जाता है, ठीक है, रिएक्शन चलते रहता बट वो इक्विलिब्रियम फेज में आ जाता है, रिएक्शन चल रही है बट इक्विलिब्रियम फेज में आ जाएगा, पोटेंशियल क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ होता है हाईएस्ट पे होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है नीचे होता है, और अभी आप देख रहे हो क्योंकि इसका क्या हो रहा है कंसंट्रेशन, क्योंकि एनोड का तो भाई रूल है, क्योंकि वो क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा, तो हमेशा जिंक किस में कन्वर्ट होगा जेडएम प्लस टू में, तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटते जाएगा, तो इसका रिवर्स रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, इसका घटते जाएगा, उसका बढ़ते एक समय के बाद आएगा कि दोनों क्या हो जाएंगे मेरे सेम लेवल पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे, उस समय पे आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे बैटरी मेरा क्या हो चुका है डेड हो चुका है, ठीक है। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं या एनोड हाफ सेल का हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीजेस, ठीक है, ईओपी ऑफ एनोड हाफ सेल डिक्रीजेस, ठीक है, तो आई होप से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि सेम मेटल के लिए अगर एसओपी पॉजिटिव है तो उसका एसआरपी क्या होगा, नेगेटिव,
तो इस बात को हमेशा याद रखना कि देखो जिंक का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी पॉजिटिव में, तो इसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी उतना ही क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो अगर ऐसा एस किसी मेटल का एसओपी पॉजिटिव है तो उसका एसआरपी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। या किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसका एसओपी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इन बात को याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है, एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। आखिर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो रिप्रेजेंट करने का हमेशा तरीका याद रखना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड मोस्ट साइड में आप क्या लिखोगे, एनोड, और यहां पे क्या लिखोगे, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, या आप इसका ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एनोड और एनोड हाफ सेल आयन, जो भी आयन होगा। ठीक है, तो आप इसका ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप जेडन ऑब्लिक जेडन एसओ फोर, मैंने क्या लिया था उस समय, याद करो जिंक लिया था, जिंक रोड को मैंने किसमें डिप किया था, जेडन एसओ फोर में डिप किया था। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का एक मतलब क्या, सिंगल डंडी का मतलब क्या होता है, सिंगल डंडी क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो दो अलग अलग फेस को अलग करता है। ठीक है, दो फेस को वो अलग करता है। जिंक यहाँ पे किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, और जेडन एसओ फोर किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में। या तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दो, जेडन सॉलिड ऑब्लिक जेडन प्लस टू आयन। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे जेडन प्लस टू क्यों लिया, क्योंकि प्रैक्टिकली वहां पे कंसेंट्रेशन एसओ फोर टू का चेंज नहीं होता है, वहां पे प्रैक्टिकली कंसेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ जिंक का चेंज होता है। तो जिसका चेंज होगा, जिस आयन का चेंज होगा, आप उसी को रिप्रेजेंट करोगे, आप एस को भी रिप्रेजेंट करोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मतलब मुझे सिर्फ जिंक प्लस टू आयन से, एसओ फोर टू से नहीं है। ठीक है, ठीक है, आई होप से ये बात समझ में आए। तो इस डंडी का मतलब क्या होता है, डंडी का मतलब होता है, सिंगल डंडी का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ फेसेस। ठीक है, तो आई होप से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल था मेरा किसके बारे में, एनोड हाफ सेल के बारे में। सेकंड पॉइंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेकंड है मेरा कैथोड हाफ सेल। ठीक है, अब आइए कैथोड हाफ सेल क्या होता है, द हाफ सेल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, रेड कैट एंड ऑक्स याद रखिएगा, हाफ सेल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, हाफ सेल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज आरएससी, इज नोन एज सी एस सी, इसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड हाफ सेल। ठीक है, इट इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द सेल एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये सब बात हम जानते हैं पहले से, बट फिर भी रिवीजन के तौर पर बता। अब आपको इन तीनों में सब हर हाफ सेल में या फुल सेल में तीन बात सीखनी है, पहला उनका रिएक्शन, दूसरा उनका नस्ट इक्वेशन का नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करता है, और तीसरी बात क्या है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो डेफिनेशन वगैरह हमने सीख ली, अब उसके बाद करते हैं कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें ऑब्वियस बात है क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका मतलब क्या होगा, Cu प्लस टू एक्वस, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या देगा, Cu सॉलिड, क्योंकि ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, SRP बोलेंगे, या E नॉट ऑफ RP बोलेंगे, या हम क्या बोलेंगे, E नॉट ऑफ Cu प्लस टू ऑब्लिक Cu, मतलब Cu टू प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन कैसे होता है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं रेडॉक्स वगैरह में। तो आई होप से ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब देखो कॉपर का रिडक्शन होने का टेंडेंसी पॉजिटिव है, तो उसका ऑब्वियस बात है ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में होता है। ठीक है बेटा, चलो अगर मैं नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना सीखूं, तो नस्ट इक्वेशन आप कैसे अप्लाई करो, ECO प्लस टू ऑब्लिक CU बराबर क्या होगा, E नॉट ऑफ Cu प्लस टू ऑब्लिक Cu माइनस ऑफ 0.059 बाय टू। यहाँ पे टू क्या है,
इट इज अ टू टू दो गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे दो लॉस हो रहा था, तो समझ रहे हो, इसलिए एन का मतलब या तो लॉस हो सकता है या तो गेन हो सकता है या ट्रांसफर। लॉस किस केस में होगा, लॉस को आप बोलोगे ऑक्सीडेशन के एस एनोड हाफ सेल के केस में, गेन आप किस केस में बोलोगे, आप कैथोड हाफ सेल के केस में बोलोगे, और ट्रांसफर आप किस केस में बोलोगे, जब दो हाफ सेल को आप कनेक्ट कर दो, मतलब फुल सेल के लिए आप ट्रांसफर बोलोगे। ठीक है, फुल सेल में ऑब्वियस बात है दो इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस कर रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहे, तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन सिर्फ ट्रांसफर होने का काम हो रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वाई बाय प्रोडक्ट बाय रिएक्ट, प्रोडक्ट में तो सॉलिड है वन, वन आ जाएगा ऊपर क्योंकि प्योर एक्टिविटी हम वन मानते हैं सॉलिड की, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी यू प्लस टू। तो इसका मतलब आप कैसे इसको लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि E ऑफ Cu प्लस टू ऑब्लिक Cu बराबर हो जाएगा E नॉट ऑफ Cu प्लस टू ऑब्लिक Cu प्लस 0.059 बाय टू लॉग ऑफ Cu प्लस टू। इसका मतलब अगर मैं इन जनरल वे की बात करूं तो रिडक्शन पोटेंशियल आप कैसे लिखोगे, E रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होगा E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.059 बाय टू log of concentration of iron। बस यहाँ वहाँ नेगेटिव था, यहाँ पे क्या आ जाएगा वो चीज पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयन के बढ़ने से रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, एक समय के बाद ये क्या हो जाएंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, वहां पे सेल वर्किंग करना बंद कर देता है। ठीक है, आई होप सो। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन, विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन ई आर पी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। आगे कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो अब वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता था, एनोड होता था, और राइट हैंड साइड में उसके क्या होता था, आयन होता था। यहाँ पे लेकिन उल्टा होगा, यहाँ पे आयन पहले आएगा, कैथोड हाफ सेल आयन ऑब्लिक कैथोड। यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड वाला पार्ट राइट हैंड साइड में रहता और आयन वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट ऑब्लिक कैथोड, जो भी आप कैथोड में यूज कर रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे इसमें क्या लिखूंगा, यहाँ पे CuSO4 एक्वस ऑब्लिक Cu सॉलिड, मान लो ये C2 मोलर था, उस जगह पे C1 मोलर लिख देना। यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, Cu प्लस टू एक्वस और Cu सॉलिड, ये हो जाएगा C2 मोलर। ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंट रहेगा दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो सकता, हो सकता सेम भी हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। अब जो हमने अलग अलग पढ़ा, अब उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इट्स रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इट्स रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
इट्स रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, गैल्वेनिक सेल कब बनेगा, जब दो हाफ सेल को आप कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, बाय यूजिंग कनेक्टिंग वायर एंड सॉल्ट ब्रिज, वो क्या बन जाए, गैल्वेनिक सेल बन जाए। उन्हीं पे क्या रिएक्शन होता है, रिप्रेजेंटेशन उनको कैसे करता है, नन्स इक्वेशन कैसे अप्लाई करता है, वो हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म बाय, गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म्ड बाय, इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू हाफ सेल, कंबाइनिंग टू हाफ सेल, कंबाइनिंग टू हाफ सेल थ्रू कंडक्टिंग वायर, थ्रू कंडक्टिंग वायर, वायर एंड सॉल्ट ब्रिज। उस समय से मैंने इनके बताया था ये काम कैसे करते, बट इनका एक्चुअली प्रैक्टिकल मतलब आखिर आप इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, जेडन लिया था, और इसमें इसको किस में डिप किया था मैंने, जेडन एसएफओर, ये वर्किंग कैसे रहता उस समय बस मैंने इतना ही समझाया था। यहाँ पे आप क्या लोगे, यहाँ पे आप क्या लोगे, कॉपर लोगे, ठीक है, इसको CuSO4 में डुबाओगे, ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे एक कनेक्टिंग वायर से। और यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मैंने यहाँ पे मैंने एक सॉल्ट ब्रिज बनाया, क्या बनाया मैंने, एक सॉल्ट ब्रिज बनाया। ठीक है, तो आई होप से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये वाला लेफ्ट हैंड वाला पार्ट क्या होगा मेरा, एनोड हाफ सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड हाफ सेल। ठीक है, और ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, कैथोड हाफ सेल। तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन, दोनों का रिएक्शन हमने लिख लिया। अब ऐसे हाफ सेल भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, देयर आर फाइव टाइप ऑफ हाफ सेल। ठीक है, पहला क्या है, मेटल, मेटल आयन हाफ सेल, या इलेक्ट्रोड भी आप इसको बोल सकते हो, कोई वांधा नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा कैसा होता है मेरा, गैस आयन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो। गैस आयन मतलब H2 रहे ऑब्लिक H+ रहे, यहाँ पे क्या रहे, Zn रहे या Zn+2। ठीक है, तो ये जो आप पढ़ रहे हो बेसिकली दिस इज मेटल, मेटल और उसके आयन में डिप कर दो तो उसको मेटल, मेटल और उसका उसका उसी का सॉल्यूशन, तो Zn Zn+2 मेटल और उसका आयन, मेटलिक आयन, तो मेरा मेटल मेटल आयन हाफ सेल हो गया। दूसरा क्या, अगर इसकी जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ, जो आपको मैंने कल बताया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो बेसिकली क्या है, वो गैस आयन हाफ सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तीसरा जो एग्जाम्पल होता है आपका, वो है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, जैसे बेसिकली Fe+2 से Fe+3 चला गया हो, और या तो चला गया क्या, MnO4- से Mn+2 चला गया हो, तो ये बेसिकली किसके एग्जांपल हो जाएंगे मेरे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, चौथा एग्जांपल जो हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मेटल, मेटल इनसॉल्युबल, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, मेटल मेटल इनसॉल्युबल एनायन हाफ सेल, मतलब इसका एग्जांपल क्या होगा, पहले मैटर होगा, फिर इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, और फिर एनायन होगा। तो ये मेरा कौन सा टाइप का होता है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। डोंट वरी, नीट वालों को सिर्फ ये ऊपर के दो ही पढ़ने, बाकी जेई एडवांस है, क्योंकि इसलिए बोला आज का लेक्चर सिर्फ कॉमन रहेगा, बाकी के अकल से इनको आपको अलग अलग जाएंगे, तो क्योंकि आज या कल के लेक्चर हम सिर्फ यही दो पार्ट डिस्कशन करेंगे, बाकी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते हैं एक एक हाफ सेल में क्या करते जाऊंगा, कवर करते जाऊंगा। बस हाफ सेल में आपको, हर हाफ सेल में आपको तीन ही बातें सीखनी, उनका रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, और उन पर नन्स इक्वेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, बाकी कुछ है नहीं, कहानी बस इतनी सी करनी है आपको। ठीक है, चौथा और जब पांचवा हो जाएगा कैलामल इलेक्ट्रोड, कैलामल इलेक्ट्रोड। ठीक है, कैलामल इलेक्ट्रोड की बात करूँ, ठीक है, तो कैलामल इलेक्ट्रोड का एग्जांपल हो जाएगा Hg2Cl2Cl-। ठीक है, तो ये हाफ सेल होते हैं मेरे। ठीक है, तो इतने टाइप के हाफ सेल हमारे सिलेबस में है,
जेई एडवांस में पांचों है और जेई मेंस और नीट में ऊपर के दो ही है सिर्फ, ठीक है, या तीनों बोल सकते हो, तीनों नहीं, ऊपर के दो दो ही मेरे जेई मेंस और नीट में है, दोनों कॉमन है, क्योंकि जेई मेंस और नीट सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड आता है, एनसीईआरटी में बाकी के तीन नहीं है, बाकी वो आपको एडवांस वगैरह में पढ़ना है, ठीक है। हम एक एक करके तीनों को करेंगे, क्योंकि पहला पार्ट हम कर रहे हैं मेटल आयन मेटल 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 आयन ऑक्सल, ठीक है, तो पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो पहले हम क्या करेंगे, इनका कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो पहले आप एनोड का रिएक्शन लिख दो, ZN किस में जाएगा, ZN ZN प्लस टू में जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये डोनेट करेगा, ठीक है, और इसके एनोड की वैल्यू क्या होती है, ZN ऑब्लिक ZN प्लस टू 0.76 वोल्ट, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, तो कैथोड Cu प्लस टू एक्वस, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा ये Cu सॉलिड बनाएगा, मतलब E नॉट ऑफ Cu Cu प्लस टू Cu तो 0.34 वोल्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ना ही मेरा ये एनोड हाफ सेल है, ना ही ये मेरा कैथोड हाफ सेल है बेटा, ये मेरा फुल सेल है, तो हम तो फुल सेल कैसे बनाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं, तभी तो मेरा पूरा बैटरी बनता है, तो उनमें रिएक्शन कैसे चलेगा, तो अभी हमने क्या देखा था, सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल वाले का रिएक्शन देखा, अभी हमने क्या देखा, सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल वाले का रिएक्शन, अब हम पूरे कंप्लीट सेल रिएक्शन का देखा, अब एक्चुअल में पूरे सेल में रिएक्शन कैसे चलता है, तो भाई एनोड का देखा कैथोड का देखा दोनों का ऐड कर दो, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि जिंक सॉलिड प्लस Cu प्लस टू एक्वस, ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा, Cu सॉलिड प्लस ZN प्लस टू एक्वस, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे फुल सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आते, ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, ठीक है, फुल सेल में कभी भी इलेक्ट्रॉन आपके नहीं आएंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आई होप से यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, इसका मतलब अभी आपने E नॉट ओपी लिखा, E नॉट आरपी लिखा, तो E नॉट सेल क्या हो जाता है, E नॉट सेल हो जाता है आपका, देखो इधर E नॉट सेल लिखने का तरीका, E नॉट सेल की वैल्यू आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऐड करोगे, तो ये आ जाता है 1.1 वोल्ट, मतलब बेसिकली आप E नॉट सेल निकालने का तरीका क्या होता है, E नॉट ओपी प्लस E नॉट आरपी, ठीक है। कभी कभी आपको ये भी दिया जाता है, E नॉट ओपी ऑफ एनोड माइनस E नॉट ओपी ऑफ कैथोड, ठीक है, एनोड माइनस कैथोड, या आप ऐसा बोल सकते हो E नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस E नॉट आरपी ऑफ एनोड, ठीक है। तो ये E नॉट सेल का फॉर्मूला होता है, कुछ होता नहीं है, बस ऑक्सीडेशन कैथोड एनोड का ऐड कर दो, तो उनके भी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रिडक्शन पोटेंशियल होंगे उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। कभी कभी क्वेश्चन में दोनों अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया होगा तो आप कैसे निकाल देंगे, क्योंकि एनोड वाला का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में रहेगा और कैथोड वाले का जो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में रहता है, तो ऑब्वियस समझो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, तो भी ऐड करोगे तो फॉर्मूला ये बनेगा, अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में दिया हुआ है तो ऑब्वियस कैथोड वाला पॉजिटिव में रहेगा, एनोड वाला नेगेटिव में, तो प्लस माइनस कर दो, दैट्स इट। बट ओवरऑल आपको फर्स्ट फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट होता है, तो पहला फॉर्मूला याद रखिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप ई सेल कैसे निकालोगे, ई सेल भी आप इसी तरीके से निकालोगे, ई ऑफ ओपी प्लस ई ऑफ आरपी, या ई ऑफ ओपी ऑफ एनोड माइनस ई, अरे यार दिस इज नॉट ई, डी ऑफ ओपी ऑफ कैथोड, और ई ऑफ आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ आरपी ऑफ एनोड। तो ये बेसिकली मेरा क्या था, ई सेल था, दिस इज माय ई सेल, आई बात समझ सबको। तो ये रिएक्शन लिखना आया आपको पूरा सेल का, अब इसमें नल्स इक्वेशन कैसे अप्लाई करूंगा, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। डायरेक्ट इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ई ऑफ ओपी वाले फॉर्मूले को, ई ऑफ आरपी वाले फॉर्मूले को, तो आपको ओवरऑल फॉर्मूला ये बनेगा। तो इसका मतलब ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, 1.1 वोल्ट जो मैंने निकाला है, और ये कैसे मिलेगा, दोनों का ऐड करने पर मिलेगा, ठीक है, माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कौन सा आयन है, ZN प्लस 2 पर आ जाएगा, और रिएक्टेंट में कौन सा है, Cu प्लस 2। तो ये ओवरऑल आपका क्या बनेगा,
नॉन स्टिक मिक्सर। अब आपको ओवरऑल ये दिया जाएगा तो ये पूछेगा, ये दिया जाएगा तो आपसे ये पूछेगा, और ई नॉट हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया ही जाता है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके स्लोप की बात करो, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ अगेन ऐसा ही बनेगा, ठीक है। दिस इज ई सेल वर्सेस लॉग ऑफ जेड एन प्लस टू ऑब्लिक सी यू प्लस टू, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.1 वोल्ट। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा -0.059/2, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन, आखिर पूरे सेल का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पहले हम लेते हैं एनोड हाफ सेल, डबल लाइन और कैथोड हाफ सेल। ये डबल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डबल लाइन मुझे रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को। आई बात समझ में, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो एनोड, ठीक है। उधर क्या होता था, याद करो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जब मैंने एनोड हाफ सेल किया था तो इनका रिप्रेजेंट राइट हैंड साइड में सॉलिड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट मोस्ट पार्ट में क्या होता था सॉलिड, और राइट मोस्ट उसके बाद क्या होता था आयन आता था। कैथोड में क्या होता था, लेफ्ट मोस्ट साइड में मेरा क्या आता था आयन आता था, राइट मोस्ट साइड में क्या आता था सॉलिड, वही एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, फिर ये क्योंकि ये वाला क्या फेस सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, फिर क्या आता है कैथोड। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं आता, मतलब आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जिंक सॉलिड ऑब्लिक जेड एन एस ओ फोर, ठीक है। C1 कंसंट्रेशन ऑब्लिक एक्वस फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे CuSO4 एक्वस, C2 कंसंट्रेशन और Cu सॉलिड, ठीक है। या आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जिंक सॉलिड ऑब्लिक जेड एन प्लस टू एक्वस C1 मोलर सॉल्ट ब्रिज, Cu प्लस टू एक्वस C2 मोलर ऑब्लिक Cu सॉलिड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिप्रेजेंटेशन हमेशा आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा या इस फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आएगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब जो हम करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तो आई होप सो नेक्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आएगा इनके रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं ये वाला पार्ट रब नहीं कर रहा, मैं रब यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेटल आयन आपको बस देखो, अब आगे के चैप्टर में क्या होगा, नॉन स्टिक मिक्सर मैंने आपको बता दिया, इन पे कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा। अब बस आपको क्या करना, हाफ सेल कन्वर्ट करना। अभी आपने क्या, कौन सा हाफ सेल को लिया, एंड मेटल आयन को लिया, एक फिर पढ़ोगे आप गैस आयन। अब हो सकता है मैं एक मेटल आयन का हाफ सेल लूँ और एक मैं गैस आयन का हाफ सेल लूँ, तो गलत मेरा कुछ भी नहीं है, सेल किसी भी तरीके से बन सकता है। बस आपको क्या करना है, एनोड हाफ सेल को आप कोई भी हाफ सेल मान सकते हो। मैं बोल रहा हूँ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट ही मेरा एनोड हाफ सेल हो गया, और गैस आयन मेरा क्या हो गया, कैथोड हाफ सेल। तो आप उनको बना के एक सेल बना सकते हो, गैल्वेनिक सेल बना सकते हो, और क्या कर सकते हो आप इन पे नॉन स्टिक मिक्सर अप्लाई करते हो, इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन, ठीक है। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर, कैलकुलेट ई सेल ठीक है, कॉमा ई नॉट सेल, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग सेल आल्सो राइट हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, मेरा रिप्रेजेंटेशन आपको दिया रहेगा, जैसे मैंने बोला Zn प्लस टू एक्वस, इसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 10 मोलर, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, Ag प्लस एक्वस ये आपको दिया हुआ है 0.01 मोलर, और Ag सॉलिड, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ ई नॉट ऑफ Zn से Zn प्लस टू, क्या दिया हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट, और ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag ये आपको दिया हुआ है
0.8 वोल्ट प्लस 0.8 वोल्ट। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल भी पॉजिटिव में और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पॉजिटिव में, इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो डायरेक्ट सेल रिएक्शन लिखा था मैंने, पहले क्या लिखूंगा सेल रिएक्शन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन कैसा हो रहा होगा, जेड जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, Zn प्लस टू और दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, इसका है ई नॉट की वैल्यू होगा प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, कैथोड पे क्या हो रहेगा, रिडक्शन हो रहा होगा, मतलब अब Ag प्लस को एनी हाउ दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे बेटा, क्या करने पड़ेंगे दो। अब क्योंकि जनरली इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन क्या होगा भाई, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। आपको मैंने बताया एनी हाउ कि भाई ये पूरे सेल रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, पूरे सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल आउट करने के लिए आपको मैं पूरे को टू से मल्टीप्लाई करूँ तो ट्वाइस ऑफ Ag, दो इलेक्ट्रॉन ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड, तो टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा, जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस, ठीक है, टेंस टू गिव Zn प्लस टू प्लस टू Ag सॉलिड। ठीक है, इसका ई नॉट अब कितना हो जाएगा, प्लस 0.8 वोल्ट। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो ई नॉट को भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों, इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, याद रखना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इधर कोई भी चेंज करोगे ये एज इट इज रहेगा, इसका मतलब ई सेल की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू होगी 1.56 वोल्ट। ये हम टू क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए जो सेल रिएक्शन में, कंप्लीट सेल रिएक्शन में आपको नहीं दिखेगा, तो जो टू यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ई नॉट में वो टू मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ई नॉट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो इसको स्टाइचियोमेट्रिक वगैरह या मल्टीप्लाई भी करोगे तो इसको कोई चेंज होने वाला नहीं है, थर्मोडाइनेमिक्स हम ऑलरेडी पढ़े हुए। तो अगर मैं बात करूँ नन्स्ट इक्वेशन की, तो नन्स्ट इक्वेशन क्या होगा, मुझे तो ई सेल निकालना है, कैलकुलेट ई सेल, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल मतलब कितना 1.56 माइनस 0.059 कितने का ट्रांसफर हुआ, दो का ट्रांसफर हुआ, लॉग ऑफ ऊपर में क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस टू, नीचे में क्या आएगा Ag प्लस का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्टाइचियोमेट्रिक जो होगा वो इसके पावर में जाएगा, वो हम रिएक्शन क्वोशेंट वगैरह में हम सीखे हुए भी है, तो ये बराबर क्या होगा 1.56 माइनस 0.06 मान लो तो 0.03 लॉग ऑफ ये कितना हो जाएगा ऊपर में 10 नीचे में 0.01 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 1.56 माइनस 0.03 लॉग ऑफ 10 रेस टू माइनस टू का माइनस फोर तो 10 का पावर 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 10 का पावर 1.56 माइनस 0.03 इंटू 5 लॉग 10 की वैल्यू 1 तो 1.56 माइनस 0.15 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 1.41 वोल्ट। तो आप देख सकते हो ई सेल क्या हो चुका है, घट चुका है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इसका बढ़ते जाएगा इसका घटते जाएगा तो ई सेल में क्या होगा ओवरऑल चेंज आएगा। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे ई सेल कैसे निकालना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आप खुद से निकालना सीखो, हमेशा आपको सिर्फ सेल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, सी यू सॉलिड ऑब्लिक सी यू प्लस टू एक्वस, ठीक है, टू मोलर सॉल्ट ब्रिज AgCl, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला है यहाँ पे, AgCl का क्या बोला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब कलाकारी क्या किया उसने, AgCl का क्या दिया हुआ KSP दिया हुआ है, वो चाहता तो Ag+ का डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे सकता था लेकिन क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए उसने क्या किया KSP का KSP की वैल्यू दे दी ऑब्लिक Ag, ठीक है, अगेन E नॉट Cu से Cu प्लस टू 0.34 वोल्ट और E नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag, अच्छा Cu से Cu प्लस टू जाएगा तो माइनस 0.34 होगा, उल्टा कर दिया था मैंने, क्योंकि याद करो पिछले पहले वाले कैसे बताया था कि 0.34 से, ठीक है, 0.Cu प्लस टू से Cu जाता तो प्लस 0.34, तो Cu से Cu प्लस टू जाएगा तो माइनस 0.34 और इसकी वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.8 वोल्ट। ठीक है, अब याद रखना अगर E नॉट सेल की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आ रही है इन दोनों को ऐड करने पर, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने पोलरिटी गलत असाइन किया, मतलब कैथोड
की जगह एनोड ले लिया और एनोड की जगह आपने क्या ले लिया कैथोड, मतलब आपको अब एनोड वाले को कैथोड में लेके जाना पड़ेगा, कैथोड वाले को एनोड में लेके जाना, बस करना इतना रहता है। कभी भी एनोड सेल नेगेटिव नहीं आ सकता, एनोड सेल नेगेटिव आने कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो एनोड सेल हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा तभी तो सेल वर्किंग कंडीशन में रहेगा, अदरवाइज एनोड सेल नेगेटिव होने का मतलब समझ लो सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी भी मेरा एनोड सेल क्या होता है, सेल फॉर वर्किंग कंडीशन, एनोड सेल हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ओवरऑल में अगर बात करूँ एनोड पे क्या हो रहा है, मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, Cu सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, Cu प्लस टू एक्वस, दो इलेक्ट्रॉन, और एनोड की वैल्यू क्या है, माइनस 0.34, और कैथोड पे क्या हो रहा है, मेरा रिडक्शन हो रहा है, Ag प्लस, अब मैं क्या करूँगा यहाँ से फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ओवरऑल दो क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ Ag प्लस, तो इसका एनोड कितना है, इसका है प्लस 0.8 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, Cu सॉलिड सेल रिएक्शन, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सेल रिएक्शन, ये क्या होगा, Cu सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस एक्वस, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया मेरा, टेंस टू गिव Cu प्लस टू एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड। चलो यहाँ तक हो गया। अब एनोड सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनोड सेल की वैल्यू हो जाएगी 0.8 और माइनस 0.34, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.46 वोल्ट। तो आई होप से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा सेल रिएक्शन हो गया। नंस इक्वेशन अप्लाई करूँगा तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा 0.56 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ, ऊपर में तो क्या होगा मेरा Cu प्लस टू, Cu प्लस टू का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे Ag प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि Sp बराबर क्या होगा, एस स्क्वायर और फोर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होती है, मोलरिटी होती है, तो S बराबर क्या हो जाएगा, या अंडर रूट ऑफ Ksp, मतलब यही कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, Ag प्लस आयन। बेसिकली कंसंट्रेशन निकालने का कुछ भी तरीका निकाल सकता है, हो सकता है वो कुछ और दे दे, हो सकता है यहाँ पे और अच्छे देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं गैस आयन हाफ सेल में, तो जब H प्लस आ जाता है तो समझ लो पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाता है, H प्लस H टू यहाँ पे आ गया, तो गैस आयन हाफ सेल है आयन और गैस, तो ये क्या होगा गैस आयन हाफ सेल, तो H प्लस जब आ गया तो समझ लो पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम आपसे यूज़ कर सकता, हो सकता है यहाँ बफर ले ले, हो सकता है वो आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ले ले, हो सकता है वो मिक्सचर ऑफ एसिड ले, कुछ भी ले सकता है, H प्लस का सोर्स कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्योंकि सिंपल सा कंसंट्रेशन चाहिए तो 10 अंडर रूट ऑफ क्या है, अंडर रूट ऑफ 10^-10 मतलब क्या हो जाएगा 10 का पावर माइनस 5, मतलब 2 × 10^5, ठीक है। अच्छा बेसिकली इसका भी स्क्वायर होगा ना, क्योंकि Ag प्लस का स्क्वायर है, तो आप ओवरऑल इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 0.56 माइनस 0.03 लॉग ऑफ 2 × 10^10, ठीक है 10^10, तो ये वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 10.3, कितना आएगा 10.3, तो 0.56 माइनस सॉरी 0.46 है यार, मैं वही सोचूं क्या गलती कर रहा हूँ मैं, 0.46 माइनस 0.03 × 10.3 जो भी वैल्यू होगी आप प्लीज़ एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, फॉर अ सेल टू बी इन वर्किंग कंडीशन, तो एनोड सेल हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, तो कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिए अब इस पर। ठीक है, तो फॉर अ सेल सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस याद क्या रखना है, डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, मतलब तभी तो वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा। डेल्टा जी लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि माइनस एन एफ ई सेल क्या रहेगा,
लेस देन जीरो मतलब ई सेल हमेशा क्या रहना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन दो। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, ई नोट सेल हमेशा क्या रहेगा बेटा, ई नोट सेल भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। मतलब आप एनोड किसको लोगे, जैसे मान लो एक जिंक दिया हुआ और एक कॉपर दिया हुआ, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है +0.76 और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.34। तो अभी सब एनोड आप किसको प्रेफरेंस दोगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा। तो हायर एसओपी वाला हमेशा क्या रहेगा आपका, एनोड रहेगा। और कैथोड हमेशा क्या रहेगा, कैथोड आप उल्टा कर दो, हम दोनों को मैं रिडक्शन पोटेंशियल देखो, कॉपर मेरा है +0.34 लेकिन जिंक है मेरा -0.76 रिडक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब ऐसा प्रेफरेंस किसको दोगे आप कैथोड में, पॉजिटिव वाले को, हायर वाले को। तो हायर एसआरपी वाला हमेशा क्या रहेगा, कैथोड रहेगा, और हायर एसओपी वाला हमेशा क्या रहेगा आपका, एनोड रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu+2Cu इज जीरो। मतलब किस कंसंट्रेशन Cu2+ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, जीरो। तो रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, ई ऑफ आरपी इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ आरपी -0.059 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ये फॉर्मूला होता था रिडक्शन पोटेंशियल वाले के केस में। बोल क्या रहा है, ये क्या कंसंट्रेशन रखूँ ताकि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। तो ये तो 0.34 +0.03 ले लूँ डायरेक्ट में, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा मेरा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ से क्या कर सकते हो, Cu+2 के कंसंट्रेशन को आप कैलकुलेटर से क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो देखो इस तरीके से क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप से यहाँ तक चीज़ें आपको क्या हो चुकी होंगी, समझ में आई होंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली कल से आपके लेक्चर डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें क्या करेंगे हम कल करेंगे। तो आई होप सो प्लीज़ इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।